मुझे तो लगा कि आज परिवार की बेटी दामाद के रूप में आए, प्रधानमंत्री के रूप में। मैं समझा कि हमारे भारत की बेटी दामाद हैं। I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. Yeah, British Prime Minister, हमारे favorite Rishi Sunak आने वाले हैं, वो तो जोर से कहेंगे, एकदम flight से उतरते ही कहेंगे जय सियाराम। और हमने कहा कि भाई यहाँ तो भगवान राम की ये पावन धरती है, आप रामलला का दर्शन के लिए भी आगे जरूर समय निकालें। वहाँ पर अगर पूरी दुनिया के जितने भी बड़े दुनिया के बड़े मुल्कों के 20 प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वो अपनी बातें मनवा सकते हैं, पहले भी वो तरक्की कर रहे हैं, तो मजीद उनकी तरक्की हो सकती है या नहीं? इससे कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे पास है, अल्लाह तो उनके पास नहीं है। अच्छा, हाँ, अल्लाह हमारे पास कैसे है सर, कोई बताएं जरा कैसे है? जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनके जो अबाओ दाद थे वो इंडिया से। अब इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, तौलिया कपड़ा तो आपके है ही नहीं है वहां पे, आप तो सारे हमाम में नंगे हैं, सारे के सारे फिर रहे हैं, लुटो। बल्कि मैं कहता हूँ यू आर नॉट कोलैप्सिंग एज अ कंट्री, यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी, क्योंकि वैल्यूज खत्म हो गई हैं आपकी। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है इस बात पर कि हम अल्लाह हमारे साथ है, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा, यानी 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे, तो 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म जाएगा जाएगा तो क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होते। वो तो है तो सही, नहीं है, नहीं है, ताकतवर नहीं है। अच्छा। ये इस्लामी मुल्क है। चलिए गाइस, आप नाज़रीन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। यूके और इंडिया के दरमियान फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब वो दोबारा से प्रॉपर तौर पर स्टार्ट होने। जय हिंद दोस्तों, ऋषि सुनक इंडिया में अराइव हो चुके हैं अभी से 1.5 घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप लोग कह ले, और विथ हिज वाइफ आए हैं। और भाई उनको केंद्रीय मंत्री साहब ने उनका ग्रैंड वेलकम किया, उनका अभिवादन किया एयरपोर्ट पे खड़े होके, और साथ ही साथ वहीं पे उनको निमंत्रण दे डाला कि भाई जो उनके फेवरेट श्री राम भगवान है उनका मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन है, वहां पे चल के श्री राम भगवान के दर्शन करें। वो साथ ही साथ निमंत्रण भी दे दिया। और केंद्रीय मंत्री साहब ने बताया जी न्यूज को कि यार एक तरीके से वो थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात कर रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो तो पूरा हिंदी में बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना घर का माहौल है। अब आप लोग समझो कि यूके का पीएम और उनकी वाइफ, लग रहा था कि घर का माहौल है, यानी हिंदी में बातचीत हो रही थी दोनों की। यूके के जो ऋषि सुनक थे वो तो टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो प्योर हिंदी में बातचीत कर रही थी केंद्रीय मंत्री के साथ। और ब्रिटेन के साथ इंडिया के बहुत सारे रिलेशंस पे बातचीत होंगी, ट्रेड की बात होगी, फ्री ट्रेड की बात होगी, वीजा की बात होगी। और उससे पहले G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, ऋषि सुनक ने उसकी तारीफ भी कर दी, खालिस्तानियों को आईना भी दिखा दिया, और ये बोला कि यार यूके में खालिस्तानियों या इंडियन, इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा, यानी 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे, तो 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म जाएगा, जाएगा तो क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होते। वो तो है तो सही, नहीं है, नहीं है, ताकतवर नहीं है। अच्छा। ये इस्लामी मुल्क है। चलिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये तो इंडिया बिल्कुल ताकतवर नहीं है हमसे, आगे चलते किसी और से बात करते हैं। जी जी, इंडिया में वेलकम दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली वेलकम कर रहा है पूरे जितने भी 20 कंट्रीज के वज़ीर आज़म है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान दिल्ली नहीं जा सकता, पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारी जो दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ रही है, इसमें हिस्सा ले रही है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले इसमें, क्योंकि जो कुछ हमारी जो कुछ बीच में कुछ चीज़ें हैं इस पर हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिकली हवाले से बात किया जाए तो हमें इन चीज़ों पे साथ मिलना चाहिए और पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इन किस्म की चीज़ों में, ताकि ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा भी है, और ये जो हमारे बीच जो कुछ बातें हैं जिस पे हम लड़ रहे हैं उनको साइड पे रखे और हमारी दोनों मुल्कों की इकोनॉमी हालत को ठीक किया जा सकता है ऐसे चीज़ों पर। इकोनॉमी तो ठीक है, उनकी इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ वो चले गए हैं, दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गई हैं, अभी जर्मनी को वो बीट करेंगे, जर्मनी को बीट करके चौथी बड़ी मईशत बनेंगे वो, तो उनको लगता है कि आपको उनकी मईशत मजीद ठीक होने के बेहतर हमारी नस्बत अगर कंपैरिजन करें तो एक्चुअली के वो कंजर्वेटिव लोग नहीं है, वो एक ऐसे लोग है कि वो सबको वेलकम कर रहे हैं, और ऐसे किसी की भी इकोनॉमी कंजर्वेटिव लोग हैं, नहीं कंजर्वेटिव लोग नहीं है, नहीं है हम, लेकिन मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ दुनिया में वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हर चीज़ में हर चीज़ को मतलब वेलकम। या भारत के जो हेटर्स हैं उनकी कोई जगह नहीं है,
तो यार एक तरीके से ये बहुत पॉजिटिव मैसेज रहा है यूके के तरफ से, ऋषि सुनक की तरफ से इंडिया के लिए, और भाई पूरी दुनिया इसको देख के हैरान है कि अब तो ओपनली ये ऋषि सुनक को हिंदू होने का मैसेज दिया जा रहा है, ओपनली ये बातचीत की जा रही है कि रामलला ने उनको इन्वाइट भी कर दिया है श्री राम जी से मिलने के लिए। तो यार पूरी दुनिया हैरान है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं इंडिया को, बहुत सारे इससे बेनिफिट्स ही होंगे। और भाई आप दिल्ली की बात करो इस समय तो यार क्या चमक रही है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सोना बना पड़ा है पूरा दिल्ली। रात का सीन, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, भाई दिल्ली मतलब यार क्या लग रही है आप लोग सोचोगे नहीं, कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में पूरा शादी हो रहा है, जैसे शादी का होता है ना माहौल कि भाई चारों तरफ लाइटें चल रही हैं और ऐसा माहौल, फंक्शन का माहौल, तो वैसा हुआ पड़ा है पूरा आधी दिल्ली में। मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिल्ली, ठीक है आधी दिल्ली, जो बाहरी दिल्ली है उसमें ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो मेन दिल्ली सिटी है वहाँ पे यार ऐसा कुछ माहौल बना पड़ा है। ठीक है ऋषि सुनक वैसे भी यार इंडिया के क्लोज रहे हैं, उनकी वाइफ तो प्योरली भारतीय है, अब ये समझ लो कि उनका जो उनकी जो वाइफ है वो प्योर भारतीय है, एज वेल एज उनका जो उनके वाइफ की जो पूरी फैमिली है वो इंडिया में रहती है, और उनकी वाइफ की जो माताश्री है उनको इंडिया में अवार्ड भी मिल चुका है राष्ट्रपति के हाथों से। तो यार इंडियन कल्चर और इंडिया आना उनके लिए कुछ नई बात नहीं है, ऐसा कहना उनके वाइफ का, ऋषि सुनक के वाइफ का। तो भाई इंडिया और भारत भाई बहुत तेजी से G20 से बूस्टअप मिलने वाला है भारत को, देखते हैं इसके नतीजे क्या होते हैं। जो बाइडेन साहब भी अराइव हो चुके हैं, इस पर भी एक वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, तो पूरी G20 में हमारी नजर बनी हुई है, और आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।